गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपको कॉम्प्रिहेंशन अर्थात गद्यांश पढ़ाऊंगी और समझाऊंगी। ऐसा मैंने आपको पहले फिफ्थ में भी करवाया था, तो हम उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखो, दिए गए गद्यांश को पढ़िए तथा पूछे हुए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जगदीश चंद्र बसु ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने सिद्ध कर दिया कि सभी जीव जंतुओं की तरह पेड़ पौधे के भी दिल और धमनियाँ होती हैं, यानी उनका भी दिल धड़कता है। किसका बच्चों? पेड़ पौधों का। उन्हें अपनी बात सिद्ध करने को कहा गया। डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु को पौधे पर विष डालकर दिखाना था कि पौधे इससे मर जाते हैं, पर जब विष डाला गया तो कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने अपनी बात पर इतना विश्वास था कि विष की शीशी में बचा पूरा विष स्वयं पी गए। विष यानी जहर, पॉइजन। उन्हें कुछ भी ना हुआ। उन्होंने बताया कि शीशी में विष नहीं, कुछ और होगा। फिर उन्होंने विष मंगवा कर एक पौधे पर डाला। पौधा सबके देखते देखते मुरझा गया, अर्थात मर गया, बेजान हो गया, उसमें जान नहीं रही। सभी आश्रय से देखते रहे। अब आपको इस तरीके से मैं कोई भी कॉम्प्रिहेंशन दूँ, वह आपको पूरा पढ़ना है और समझना है। ये सिर्फ आपको प्रैक्टिस के लिए है। आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उसमें से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उसी में से आपको आंसर ढूंढ के लिखने हैं। तो आपको क्या करना चाहिए बच्चों? पहले कॉम्प्रिहेंशन पढ़ लेना चाहिए, फिर उसके आंसर उसी में टिक कर लो और फिर आपको डायरेक्ट आंसर लिखने रहते हैं। इसमें आपको पूरा पैराग्राफ अर्थात एक गद्यांश लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो चलो अब हम इसके अंदर से क्वेश्चन आंसर करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सही उत्तर पर राइट का निशान लगाइए। तो पहला, पेड़ पौधे के भी दिल और क्या होते हैं? तीन ऑप्शन है, हाथ, आँखें, धमनियाँ। तो आपने को टिक करना है धमनियाँ। हाथ आँख पेड़ पौधों के नहीं होते। फिर दूसरा क्वेश्चन है, क्या डालने से पौधे मुरझा जाते हैं? विष यानी जहर डालने से। पानी और मिट्टी में तो पौधे बड़े होते हैं ना बच्चों, तो उसमें थोड़ी मुरझाएंगे। इसीलिए जब भी आपको कॉम्प्रिहेंशन दिया जाए उसको अच्छे से पढ़िए। दूसरा क्वेश्चन है, उचित पर्यायवाची शब्द पर गोला कीजिए, अर्थात जो उसका अर्थ है उस पर आपको गोला करना है। जैसे दिल, दिमाग, हृदय और पेट। दिल का अर्थ होता है हृदय, दिमाग और पेट नहीं होता है, वो तो आपको पता ही है बॉडी पार्ट्स का। फिर है विष, उसके तीन ऑप्शन है, जहर, अमृत और पानी। तो आपको समझ आ जाएगा कि भाई इसमें जो जहर है वही विष का पर्यायवाची शब्द है। अब तीसरा है, दिए गए शब्दों के विलोम शब्द गद्यांश में से ढूंढ कर लिखिए। अविश्वास का विलोम यानी बच्चों अपोजिट, विश्वास। और दूसरा है अमृत, अमृत का अपोजिट बच्चों विष, तो जहर। इस प्रकार से आपको इसमें से क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं, राइट रॉन्ग पूछ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स पूछ सकते हैं। जो भी टीचर की मर्जी होगी वह उसे पूछेगी। इंग्लिश में भी आपको अनसीन पैसेज आता है ना, उसी प्रकार से इस तरीके से आपको हिंदी में भी पैसेज दिया जाएगा, जिसे आपको बार बार पढ़ना है और उसके आंसर्स को उसमें टिक कर लेना है, ताकि लिखते वक्त जल्दी जल्दी में भूल ना हो जाए। और एक बात का ज़रूर ध्यान रखना बच्चों कि आपको सिर्फ आंसर्स लिखने हैं, इसमें क्वेश्चंस लिखने की ज़रूरत नहीं होती। समझ आ रहा है आपको? पर जैसे आपको पूछा है कि पौधों में क्या डाला जाए, तो आपको लिखना पड़ेगा, ये तो लिखना पड़ेगा कि पौधों में क्या डाला जाए। ऑप्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है, पर ऊपर का जो क्वेश्चन है वो लिखना है। और क्वेश्चन आंसर में आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। इस तरीके से आप कोई भी आपके पार्ट में से पैराग्राफ लगा निकाल के और उसके क्वेश्चन बना के आंसर दे सकते हैं। आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर भी आपको कुछ ना समझ में आए तो आप मुझे पूछ सकते हैं, ऐसा मैं आपको बार बार बोलती हूँ। इसलिए गद्यांश को पढ़ो और फिर उसके नीचे जितने क्वेश्चन दिए उनको समझो, उसके आंसर्स पहले टिक करो और फिर आपको एग्ज़ाम में लिखना होता है। इंग्लिश में भी अनसीन पैसेज आते हैं ना, यानी ऐसे पैसेज पूछे जाएंगे जो आपकी किताबों में
यानी आपकी स्कूल की टेक्स्ट बुक में नहीं होंगे आपके स्टैंडर्ड के। ये पैसेज हम कहीं से भी आपको पूछ सकते हैं। तो अब आप इसको इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं। तो आप इसी तरीके से इस पैराग्राफ को मैं आपको क्लासरूम में भेज दूँगी, वहाँ से आप लिख लीजिएगा इसको, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। इज़ दैट क्लियर? समझ आ गया बच्चों? ठीक है, थैंक यू।